मैं हूँ आलिया भट्ट, मेरी मूवी आ गई है, आप लोग जाके देख लो, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने बहुत बढ़िया से उसमें एक्टिंग की है। ए रामू काका, वो चूहिया बिस्तर पे हक दी है, तनी साफ कर दे तो, गंधात रहा थी हम जब सोवत रही हम। हाँ साफ कर दो प्लीज, कह दो ना बहू प्लीज, जगह साफ ही नहीं कर दे। ए झाड़ू असले के मार अब तुम कसम जुग नहीं। जोक सपाट अलग, और आज हम कुछ बात करेंगे ऐसा जिसको मैं अभी अभी तुरंत देख करके ही आ रहा हूँ। देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि जो भी मेरे अंदर ज्ञान है या जो आया है उस मूवी से, मैं आकर के तुरंत कैमरा खोल के बक दूँ, कहीं भूल ना जाऊँ। इस चीज़ की टेंशन ज़्यादा रहती है क्योंकि वीडियोज़ बनाने के चक्कर में ना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप बोलना कुछ चाहते हो, निकल कुछ जाता है। तो मैं हूं अमर और स्वागत करता हूं आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो मैंने देखा गंगूबाई काठियावाड़ी, और इस फिल्म को देखने के बाद सिर्फ मेरे शब्द एक ही हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मास्टरपीस मूवी है जिसको डायरेक्ट किया गया है संजय लीला भंसाली के द्वारा। और इसमें आपको देखने को मिलते हैं आलिया भट्ट, अजय देवगन, विजय राज, जो कि हर एक सीन को अपने आप में एक ज़बरदस्त बना रही हैं। आलिया भट्ट की एक्टिंग एक नंबर, पूरी मूवी को उसने अपने दम पर ही खड़ा कर रखा है भाई साहब, कोई है ही नहीं उसको टक्कर देने के लिए इस मूवी में। एक शब्द में कहूँ तो ये फैंटास्टिक मूवी है, अगर आप देखोगे ना तो शायद आप सच में फील करोगे इस मूवी को अंदर से। फर्स्ट हाफ तो एकदम जबरदस्त एक नंबर है भाई साहब, मजा ही आ जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ थोड़ा सा खिंचा हुआ था, थोड़ा सा खिंचा हुआ इन द सेंस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जहां पे कुछ लंबे लंबे शॉट्स लिए गए थे, लेकिन आपको कहीं पे भी बोरिंग फील नहीं होने देगी ये मूवी, क्योंकि ये संजय लीला भंसाली की फिल्म है। और संजय लीला भंसाली की फिल्मों में हमें डायरेक्शन से लेकर के जो सेट वगैरह होता है, उसकी कलर ग्रेडिंग वगैरह जो होती हैं, सब कुछ एक नंबर देखने को मिलता है। और इस मूवी में भी कुछ खास ऐसा ही है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन से लेकर के सेट वगैरह जो भी है, और साथ साथ भाई साहब सिनेमेटोग्राफी एक नंबर है। इस फिल्म में सिर्फ आपको आलिया भट्ट दिखने वाली है, आलिया भट्ट इन द सेंस लाइक इस फिल्म में आपको केवल आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग से दिखने वाली हैं, जहां पे उनके डायलॉग्स हैं या फिर उनकी एक्टिंग है या फिर उनके जो स्वैग है, उनके चलने का स्टाइल है, गंगा टू गंगू भाई सब कुछ एक नंबर शूट किया गया भाई साहब, क्या एक्टिंग की है, व्हाट अ परफॉर्मेंस, टू गुड, एक नंबर। और इस फिल्म को ज्यादा वजन दे दिया है थोड़ा सा अजय देवगन ने, जहां पे उनके वॉकिंग स्टाइल और उनके डायलॉग भी एक नंबर है भाई साहब, आपको वो सब कुछ मिलेगा इस मूवी में जो आप एक्सपेक्ट करके जाओगे उसको देखने, वहां पे उनकी एक्टिंग हो, उनका स्वैग हो या फिर उनकी स्टाइल हो या उनके डायलॉग हो, सब कुछ अजय देवगन का एक नंबर है। पूरी मूवी में इन्होंने वजन दे दिया है आकर के, और कई कई जगह तो ऐसा फील होता है ना भाई कि रोंगटे खड़े कर देती है, कुछ सीन इतने जबरदस्त है ना, जब भी डायलॉग्स वगैरह निकलते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और उसी वक्त लगता है कि बोलो जुबा केसरी। ओह माय गॉड, वाओ। कभी कभी ऐसा फील होता है ना लाइक कि जब वो निकलते हैं या चलते हैं और वो जगह जगह ढूंढ रहा है भाई डायलॉग देते समय कि कहीं पे वो अपना वो जो विमल कहीं पे थूक सके। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। लेकिन एक चीज से बड़ी ज्यादा दिक्कत है मुझे, वो बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जब इस मूवी को आज देखा, ठीक है अभी देख करके आ रहा हूँ, लेकिन IMDb पे इसकी रेटिंग 3.9 पहले से हो गई। भाई साहब मूवी आज रिलीज हुई, कल के कल मतलब बीते हुए दिन में इसकी IMDb रेटिंग 3.9, मतलब यार कुछ भी, ऑडियंस भी कितनी ज़्यादा वो होती जा रही है कि बिना मूवी को देखे वो पहले रेटिंग कर दे रही है। भाई थोड़ा वेट कर लो, मूवी देख लो जाकर के, तब उसके बाद उसकी रेटिंग वगैरह दो। लेकिन नहीं, मैं भी क्या बताऊँ यार, 3.9 10 में से IMDb रेटिंग भाई मेरे, मैं उसे जब कल देखा तो मेरा मन ही नहीं हुआ कि यार क्या जाए ना जाए, लेकिन हमने कहा चाहते हैं। और मैंने सच बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हुआ कि मैं उन सब चीजों पर गया नहीं भाई, उसको देखकर तो मैं चकरा गया था, पागल हो गया था। और इसके अलावा विजय राज की एक्टिंग, उनकी थोड़ा इंटरेस्ट जो है ना मूवी में थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन भाई जब से वो आया बंदा ना मूवी में, उसने अपने डायलॉग से, उसने अपने स्लो मोशन के स्टाइलों से एक नंबर का स्वैग बदल दिया उस मूवी में, मतलब जबरदस्त एंट्री कर दी और जान डाल दी पूरी मूवी में उसने आकर के। वैसे तो ये फिल्म बेसिकली बेस्ड है गंगूबाई काठियावाड़ी के ऊपर ही, लेकिन इसमें आपको साइड बाय साइड प्रोस्टिट्यूशन की जो
उनकी जो कहानियां वगैरह होती हैं वो भी आपको जानने को मिलती है कि वो उस दलदल में कैसे फंसते हैं लोग वहां पे, और एक बार जब कोई फंस जाता है तो निकल क्यों नहीं पाता। इस सारी चीजों से भी आप इमोशनली जुड़ोगे। एक सामाजिक मुद्दा है यार ये भी बहुत बड़ा, क्योंकि इनको सब बहुत तरीके से हीन भावना से ही देखते हैं, क्योंकि उनको शायद कोई धूल ही समझता है शायद बेड तक का, लेकिन जो एक्चुअल में उन सब के ऊपर बीतती है ना वो भी कुछ जानने वाली स्टोरियां होती हैं। और गंगूबाई के ऊपर जैसे मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जहां पे मैंने उनकी पूरी स्टोरी कवर की थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप प्लीज उसे जाकर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे जाकर क्लिक करिए और देखिए कि गंगूबाई कहां से थी और कैसे परिवार से थी और वो जाकर के कहां जाकर फंस गई। तो इन सारी चीजों के बारे में भी आपको जानने को मिलता है, तो आप भी उससे एक इमोशनली कनेक्ट तो बहुत जरूरी जरूर होगी, क्योंकि आपको ये मूवी क्यों गंगूबाई की नहीं उन सब महिलाओं की स्टोरी बयां करती है जो कि इस दलदल में जाके फंस जाती हैं। अगर इस मूवी की बात करूं तो इसका सेकंड हाफ थोड़ा सा मुझे खींचा हुआ लगा, थोड़ा एडिटिंग से अगर कट कर दे तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ओवरऑल ये मूवी भी एक नंबर है। सेकंड हाफ भी आप ज्यादा बोर रही होंगे, एक नंबर बनाई गई है। तो इस मूवी को मैं 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। तो आप सब भी जाओ और इस मूवी को थिएटर में देखो, एंजॉय करो, ये सच में एक जबरदस्त मूवी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हाँ, कुछ मूवीज का रिव्यू जैसे अगर जल्दी मैं ना दे पाऊँ तो उसको देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मेरी आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, मेरी लाइफ से जुड़ी चीज़ें को भी मिल जाएंगी आपको, तो मेरी लाइफ से जुड़ भी सकते हो आप और साथ साथ वहाँ पे आपको रिव्यू वगैरह भी मिल जाएगा फटाफट, तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बस करना क्या, क्लिक करो फॉलो हो जाएगा। और हाँ, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो दबा दो, तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, और लास्ट वीडियो में जितना सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत प्यार, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।